नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कौन से एयरपोर्ट पे फ्लाइट में आग लगी, उसमें कितने यात्री सवार थे। उसके बाद यहां पे बताऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ओमान में पिछले 24 घंटों में कितने नए केसेस आए। साथ ही जॉब के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ओमान का बड़ी अपडेट दिया है, 400 प्लस जॉब ऑपरेट करने वाली। तो क्या है तीनों डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को जरूर देखो ताकि ओमान से लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्लाइट को लेकर, जो कि देखा जाए तो आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो मतलब एयर इंडिया थी उसमें 180 यात्री सवार थे। आपको बता दें यहाँ पे सोशल मीडिया पे बताया गया होगा कि मतलब फ्लाइट में आग लगी थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, फ्लाइट में आग नहीं लगा था। आपको बता दें कि यहाँ पे जो फ्लाइट को मतलब आपको मालूम होगा कि हवाई जहाज पीछे को नहीं पिछड़ता, मल्ली फॉर्मली देखा जाए तो ये आगे के लिए आगे मतलब बढ़ता है, और जो मतलब ट्रैक्टर एक हिसाब से देखे तो ट्रैक्टर को नाथ के जहाज को पीछे किया जाता है, उस इंजन में आग लगी थी। जो एक्स्ट्रा एक ट्रैक्टर होता है उसमें आग लगा था, फ्लाइट में कोई भी आग नहीं लगी थी। आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ, मल्ली फॉर्मली कोई भी आदमी यहाँ पे इंजर्ड नहीं हुआ है, जो काफी बेहतरीन है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, जो ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उन्होंने अपडेट दिया कि पिछले 24 घंटों में ओमान में आज तक देखे तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि इतने केसेस एक एक दिन में नहीं आए थे, जो काफी दुखद है। अगर जो बात करें केसेस की संख्या तो 539 नए मामले दर्ज हुए लास्ट 24 आवर का ये अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जिसमें से अगर जो देखे तो यहाँ पे केसेस की टोटल आज तक बात कर ले कि ओमान में केसेस की संख्या क्या रही है, तो यहाँ पे 3,08,261 आदमी अब तक इस कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, जो काफी दुखद है। वहीं स्लोली केस दिन ब दिन ओमान में बढ़ रहा है। उसके बाद अगर जो देखें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पे 119 आदमी रिकवर हुए, पूरी तरह से स्वस्थ हुए। जो 539 नए मामले हुए थे इसमें से 119 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जो काफी जबरदस्त है। उसके बाद टोटल बात कर ले कि आज तक जितने लोग रिकवर हुए हैं तो यहाँ पे 301,083 आदमी इस कोरोना वायरस से पूरी तरह से अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जो काफी जबरदस्त है। उसके बाद अगर जो देखें तो पिछले 24 घंटों में एक आदमी इस कोरोना वायरस से अपना जान गवा बैठा है, जो काफी दुखद है भाई। क्योंकि ओमान में अगर जो देखें तो पिछले एक महीने में लगभग ज्यादा तो नहीं हुआ, बस 5-6 ही मौतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। बस अगर जो टोटल अगर जो बात कर लेती आज तक ओमान में कितने लोग एक्सपायर हुए इस कोरोना वायरस से, तो यहाँ पे 4,119 आदमी इस कोरोना वायरस से अपना जान गवा बैठे हैं, जो काफी दुखद है। उसके बाद अगर जो रिकवरी परसेंटेज की बात किया जाए तो यहाँ पे 97.7% है, जो काफी बेहतरीन। हालांकि ओमान में देखे तो दिन ब दिन रिकवरी रेट घट रहा है, क्योंकि एक समय 98.5% है, यानी 98.5% ओमान में रिकवरी रेट है, जो काफी जबरदस्त था। किसी कंट्री के पास ऐसा रिकवरी रेट नहीं था। बात करते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, अगर जो बात करें तो यहाँ पे 402 नए जॉब ऑपरेट करने वाले। अगर जो बात करें यहाँ पे नॉर्थ अल बदनिया गवर्नमेंट में मतलब ये 402 नए जॉब ऑपरेट करेगी, जो काफी बेहतरीन है। तो ये थी अपडेट, और कोई क्वेश्चन होगा वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।